अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेइंग स्कीम। जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देना है या जिनके सप्ली के एग्ज़ाम है, ये जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इस अपनी पेइंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करें। सारा पेपर आपका इसी के अकॉर्डिंग आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ MCQ शेयर करूँगी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ साथ बताऊँगी आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं और कौन सा चैप्टर आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं करना। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर्स वगैरह अपलोड कर रही हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास टोटल 17 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs, 4 में से 1 MCQs, 5 में से 2 MCQs, 6 और 7 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 8 में से 2 MCQs, 9 में से 1, 10 में से भी 1 और 11 में से 2 MCQs आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। पहले क्वेश्चन के अंदर 12 सवाल होंगे, 8 करने हैं, दूसरे में 12 होंगे, 8 करने हैं और तीसरे में 9 होंगे, 6 करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों का चैप्टर 1, 2, 3 और 6 को मिला के बनाया जाएगा। पहले चैप्टर में से आप लोगों के 4 सवाल आएंगे, दूसरे में से 3 सवाल, तीसरे में से 4 सवाल और 6वें चैप्टर में से 1 सवाल। अब आप लोग इसमें से पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर कर लें, दूसरा और 6वां चैप्टर आप लोग छोड़ सकते हैं, आप लोग के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। यानी 2 करने हैं, 2 छोड़ देने हैं चैप्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चंस, 5 में से 3, 7 में से भी 3, 8 में से भी 3। अब इनमें से आप लोग कोई से 3 चैप्टर्स कर लें और एक चैप्टर आप लोग बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, 10 में से 2 क्वेश्चंस, 11 में से 4 क्वेश्चंस। अब आप लोग चैप्टर नंबर 11 कर लें, साथ 10 कर लें या फिर 9 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जी, लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोग पास 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 3 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। हर क्वेश्चन ए और बी पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा चैप्टर 2 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, 6 का क्वेश्चन का आएगा चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट, बी में से बी जो क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 6 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में से, और क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 9 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 10 में से। कुछ बोर्ड्स में ही पेयर इस तरह से हो सकता है कि मतलब पहले जो दो सवाल है ना वो बी पार्ट और पहले सवाल का बी पार्ट और दूसरे सवाल का ए पार्ट, ये दोनों के आपस में नंबर्स की चेंजिंग हुई हुई है कि उस वो में 3 आ गया, उसमें 4 आ गया, तो इस तरह से भी हो सकता है। हाँ जी, अब इसमें से आप लोगों ने कोई से 6 चैप्टर्स तैयार कर लेने हैं और कोई से 4 चैप्टर्स आप लोगों ने छोड़ देने हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप लोग कौन सा चैप्टर्स तैयार करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।